प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे दो सशक्त और निपुण महिलाओं को। एक तरफ आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िलाई खान जी। और ये दोनों महिलाएं बात करेंगी हमारे देश में हो रहे चुनावों पर। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरी प्यारी सी दोस्त और जबरदस्त किस्म की लॉयर भी हैं, और हम उनसे बात करेंगे, नाज़िलाई खान से। थैंक यू सो मच नाज़िया, क्या जा पाई हैं, बहुत शुक्रिया। मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच आरजू जी मुझे इनवाइट करने के। थैंक यू सो मच कि आज आपने टाइम दिया। हालांकि आई नो कि आपका बड़ा बिजी शेड्यूल होता है, लेकिन इलेक्शंस कैसे जा रहे हैं नाज़िया? सबसे पहले ये बताएं कि इलेक्शंस में क्या हो रहा है और किस तरफ लग रहा है कि कौन सी पार्टी जो है वो आगे की तरफ जा रही है। बीजेपी हर राज्यों में, और एवरीवन नोज के मैं सिर्फ एक राज्य की जिम्मेदारी पर नहीं हूँ। मैं पिछले एक सवा महीने में 22-23 ट्रैवल कर चुकी हूँ। कई राज्यों में जाकर के मैंने कंपेनिंग की है, कई कैंडिडेट्स की कंपेनिंग की है, और मेरा हमेशा मोटो रहता है कि मैं जनता से ज्यादा मिल सकूं, उनके पास उनकी बातों को मैं सुन सकूं, उनकी विचारधारा को मैं समझ सकूं। तो अपनी स्पीच कंप्लीट करने के बाद, उस सभा को पूरा फिनिश करने के बाद, मैं तकरीबन एक घंटा जनता के बीच में गुजारती हूँ और कहीं ना कहीं चाय वाय पीने के लिए खड़े हो जाती हूँ। तो वहां पर भी जो लोग होते हैं उनकी जो प्रक्रिया मुझे मिलती है, उससे भी मुझे काफी चीजें जो है वो मैं समझ पाती हूँ। तो मुझे जीरो ग्राउंड का जहां तक बातें हैं, उस हिसाब से मुझे ऐसा ही एहसास हो रहा है कि अब की बार 400 पार और कोई रोक भी नहीं सकता। हालांकि इंडिया अलायंस में राहुल बाबा बहुत स्ट्रैटेजी खेलने की कोशिश कर रहे हैं, इस्लामिक जस्टिफिकेशन पर मुस्लिम वोटर्स को बहुत ज्यादा उत्तेजित करने की कोशिश की जा रही है। श्रीमती ममता बनर्जी मुस्लिम एंटी हिंदू स्लोगन वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, एंटी हिंदू स्टेटमेंट स्टार्ट कर दिया है, ताकि मुस्लिम जो है वो प्रोवोक होते रहे और उस प्रोवोकेशन में वो उल्टा सीधा एक जिहादी एक्टिविटीज करते रहे। अरविंद केजरीवाल जी का आम आदमी पार्टी का लीजिएगा, तो उन्होंने अपनी ही महिला सांसद को पीट पाट दिया है, उनके सिक्योरिटी गार्ड ने, वैभव कुमार ने, और इतनी बुरी तरीके से पीटा है कि राज्यसभा एमपी जो है वो बेचारी अब तो रोते धोते हर चैनल पर बैठ रही है और रोना ही रो रही है। तो अब उसके बाद फिर अगर आप बिहार चली जाती हैं, लालू प्रसाद यादव, तो उनका कहीं पर कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि मेरा दो दौरा बिहार का रहा, तो बिहार में मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान का जो दबदबा है, वो दबदबा किसी का है ही नहीं। मैं तो ऐसा समझ रही हूँ कि चिराग पासवान की पार्टी से जितने कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, मुझे लगता है सबके सब जीत जाएंगे। क्योंकि जनता जो है ना, वो अब किसी मतलब स्ट्रैटेजी के तहत वोट नहीं करना चाहती है। जनता, भारत की जनता को ऐसा लगता है कि मुझे वो नेता चुनना है जो मेरे करीब हो, मुझे वो नेता चुनना है जिसमें वीवीआईपी का ऑरा ना हो, मुझे वो नेता चुनना है जो मेरे दर्द और तकलीफ को समझे, मुझे वो नेता चुनना है जो मेरी खुशी में खुश हो जाए और मेरे दुख में वो दुखी हो और उसमें शिरकत करे। और देखिए, ये देश का इलेक्शन हो रहा है, हम इसको देश का पर्व भी बोलते हैं और देश का गर्व भी बोलते हैं लोकसभा इलेक्शन को। तो देश का जब इलेक्शन होता है, तो देश को मजबूत करने के तरीके से वोटिंग की जाती है। और पिछले 76 साल में जितने भी प्रधानमंत्री आए और गए हैं, उसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है और जिस तरह से उन्होंने इस मातृभूमि के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है, अपने कर्तव्य को निभाया है, मुझे लगता है कि ये पूरा देश आंख मूंद करके मोदी जी को वोट कर रहा है, कैंडिडेट नहीं देख रहा है। कैंडिडेट सामने कौन है, इससे मतलब ही नहीं है जनता को। जनता को बस इतना पता है कि ये जो हम कमल का बटन दबा रहे हैं, ये मोदी जी को जा रहा है और मोदी जी को मजबूत कर रहा है।
यहाँ पे एक चीज और, मैंने नाजे कुछ टाइम पहले जब इलेक्शंस नहीं हुए थे उससे पहले की बात है, जब गवर्नमेंट चल रही थी तो मेरे ख्याल है आपकी असेंबली का इनॉग्रेशन हुआ था जिसमें मोदी जी ने जो है तमाम रिलीजन के लोगों को बुलाया था, जो वहां पे किरत भी हो रही थी और बाकी रिलीजन की जिस तरह इबादत होती है वो भी की जा रही थी उसके इनॉग्रेशन से पहले। तो उससे जी एक इम्प्रेशन तो ये आ रहा था कि हर रिलीजन को रिस्पेक्ट दी जा रही है, हर रिलीजन को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो फिर आखिर ऐसी क्या बात है कि बीजेपी के लिए कहा जाता है कि जी वो माइनॉरिटीज, इसमें सारे ही रिलीजन आ जाते हैं, कि उनके लिए कोई काम नहीं किया जाता, खासतौर पर अपोजिशन इस बात को बहुत ज्यादा जाहिर उछालती है, बात करती है, ऐसा इंप्रेशन क्यों है? क्योंकि हमने तो ऐसा होता हुआ नहीं देखा। आशु जी, ऐसा है कि हमारे नए पार्लियामेंट का इनोग्रेशन था, हमारे नए संसद का, नए पार्लियामेंट का इनोग्रेशन था, और उस इनोग्रेशन में हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने सभी धर्मों के प्रार्थना को, दुआओं को, सारी चीजों को उन्होंने करवाया था, और सूरे अल रहमान की आयत वहां पर हुई थी, और मोदी जी ने पूरी आस्था, विश्वास और पूरी नेक नियति के साथ वो सूरे अल रहमान की आयत सुनी थी, और पूरी दुनिया ने इस चीज को देखा था, जो अरब को भी बहुत पसंद आया था, बहुत ज्यादा पसंद आया था। अब देखिए, कुछ चिटिंगबाज और जाली मुसलमान आपके यहाँ भी हैं पाकिस्तान में, और कुछ चिटिंगबाज और जाली मुसलमान हमारे भारत में भी हैं। और ये जो जितने भी चिटिंगबाज और जाली मुसलमान होते हैं, ये बेसिकली अल कुरान या सुन्नत रसूल को नहीं मान रहे होते हैं, ये इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर अपनी अपने चेयर को, अपने ताकत को और अपने फिनेंशियल कंडीशन को, अपने पावर को, अपने पोजीशन को बचाने के लिए इस्लाम का सहारा लेते हैं। आपने बहुत खूबसूरत बात अभी छेड़ी है पार्लियामेंट के इनोग्रेशन की। अब राहुल बाबा बार बार चिल्ला रहे हैं कि राष्ट्रपति के होते हुए भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पार्लियामेंट का इनोग्रेशन किया। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। जानना तो ये है कि सतीशगढ़ असेंबली का जब इनोग्रेशन हो रहा था तो सोनिया जी ने किया था, हालांकि वो कुछ भी नहीं है, ना राष्ट्रपति है, ना उपराष्ट्रपति है, ना गवर्नर है, मात्र एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। आसाम असेंबली का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, तो उस वक्त वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, तरुण गोगोई से वहां पर फाउंडेशन स्टोन रखवाया गया था, पर वहां के गवर्नर जो कांग्रेस के थे उससे नहीं रखवाया गया था। क्यों आप लोग ऐसा क्यों करते हो? उसके बाद फिर छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आई एम सॉरी, तमिलनाडु के असेंबली का इनोग्रेशन हुआ था, फिर से सोनिया गांधी चली गई और जा करके इनोग्रेशन करके आई। भाई क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उनकी? वो है क्या? वो तो कुछ नहीं है। अच्छा, इनमें इनमें बड़ा बड़ा अजीब सा है, सोनिया एंटोनियो जो है वो अपने अपने हस्बैंड के नाम से अपने आप को प्रमोट करती हैं, सोनिया गांधी कहलाती हैं, लेकिन प्रियंका जो है वो वाड्रा कभी नहीं लगाती है, वो प्रियंका गांधी बाप का नाम लगाती है। सोनिया अपने बाप के नाम से पीछा छुड़ाती है और प्रियंका अपने बाप के नाम को चिपकाने में लगी रहती है। सोनिया अपने पति के नाम से जानी जाती है, प्रियंका अपने पति के नाम नाम को लगाना ही नहीं चाहती है। तो ये जो इंडी अलायंस का प्रॉब्लम है और गांधी परिवार का प्रॉब्लम है, ये इनके प्रॉब्लम ने ही इनको खत्म कर दिया। आज देश एक देश की पार्टी कांग्रेस हुआ करती थी, उसको मोहल्ले की पार्टी बना दिया गया है, और किसने किया? ये गांधी ने परिवार ने ही किया। लेकिन लोग, आरजू जी, लोग बेवकूफ नहीं है। गांधी परिवार वो परिवार है कि जब इंदिरा गांधी जी का निधन हुआ, उनकी जब मृत्यु हुई, तो भाई संजय गांधी के बच्चे को और उनकी धर्मपत्नी को तो एंटर नहीं करने दिया जा रहा था, अग्नि में चिता नहीं देने दिया जा रहा था। सोनिया गांधी इतनी मतलब प्राउडी है और इतनी अग्रेसिव नेचर की है कि वो उन्होंने मेनका गांधी को कभी एक डाइनिंग टेबल पर बैठने नहीं दिया। और ये मैं नहीं बोल रही हूं, ये मेनका गांधी ने खुद सिमी ग्रेवाल के इंटरव्यू में बैठ करके बोला है कि इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी और राजीव गांधी और उनके बच्चे जब डाइनिंग टेबल पर बैठ करके खाते थे तो हमें और वरुण गांधी को बैठने नहीं दिया जाता था। तो जो अपने भाई का नहीं हुआ, जो अपने अपने माँ का नहीं हुआ, जो अपने परिवार का नहीं हुआ, वो जनता को परिवार क्या मानेगा? वो तो कभी जनता को परिवार मान ही नहीं सकता है। अब आती है दूसरी बात कि असदुद्दीन अवैसी ने नया नारा खड़ा किया। असदुद्दीन अवैसी ने बोला कि मुसलमान मुसलमान बेटियों को डराया जा रहा है और उनको वोट नहीं देने के लिए उनका हिजाब उठा करके देखा जा रहा है। अब आप इस्लामिक देश में बैठी हैं, मुझे तो आप हिजाब में कभी नहीं दिखाई दी। बेनजीर भुट्टो इस्लामिक देश की वजीर आजम,
उनको तो मैंने निकाब में कभी नहीं देखा। शेख हसीना बांग्लादेश मुस्लिम देश की वजीर आजम, उनको मैंने हिजाब में कभी नहीं देखा। उसके बाद फिर हम इंडोनेशिया चले जाते हैं, हम अरब चले जाते हैं, अरब में तो अब स्विमिंग कॉस्ट्यूम में फैशन शो हो रहा है भाई, स्विमिंग कॉस्ट्यूम में फैशन शो हो रहा है। अच्छा, अब इसके बाद फिर और भी इस्लामिक तरीके से चले जाते हैं। जब हम हज उमरा करने के लिए जाते हैं तो एहराम में भी हम तो भाई दम ही नहीं हो पाएगा, वजू ही नहीं हो पाएगा अगर हम शक्ल ढक लेंगे। तो अगर वोटिंग के दौरान आपकी आईडी से आपका शक्ल कोई महिला प्रिसाइडिंग ऑफिसर या महिला कैंडिडेट देख ले रही है, मैच कर ले रही है, तो आपको दिक्कत किस बात की है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम हज उमरा मर्दों के भीड़ में बदन को सटा करके तवाफ कर सकते हैं, तो यहाँ तो भाई इज्जत से आपको बुला करके आपका चेहरा उठा करके देखा जा रहा है और वोटर आईडी कार्ड में मैच किया जा रहा है, दैट्स इट। हमें हमारे यहाँ भी यही होता है, ये तो पाकिस्तान में भी होता है। अगर किसी ने कवर किया हुआ है हिजाब इस तरह से किया कि शक्ल नहीं दिखाई दे रही, तो आईडी कार्ड से मैच करने के लिए वो तो हटवाया ही जाएगा वोटिंग से पहले। अब इन्होंने क्या स्टार्ट किया है, ब्लेम गेम, कि मुसलमान महिलाओं को, मुसलमान खवातीनों को डराया जा रहा है, उनके हिजाब उठाए जा रहे हैं, इस्लाम खतरे में आ गया है, इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा है। अरे जब देखिए होता क्या है ना अर्जु जी, कि हिंदुओं को मुसलमानों के रीति रिवाज के बारे में इतना पता नहीं है। हिंदू कभी अरब के अंदर गए नहीं, मक्का मदीना कभी अंदर में गए नहीं, उनको पता नहीं है कि बदन से बदन टकराता है मर्द और औरत का तवाफ के वक्त में, और इतना ज्यादा बदन चिपकता है वहां पर कि कई बार बहुत बुरा भी फील होता है, कई बार बड़ा बड़ा अजीब भी फील हो जाता है हज के वक्त में। तो इनको तो ये बात पता नहीं है, तो हिंदुओं को अब ये बेवकूफ बनाने लगते हैं। तो इसलिए ये सारी मतलब झूठी चीजों को क्रिएट करके इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर भी ये लोग वोटिंग, बोगस वोटिंग कराने की कोशिश में लगे हुए। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू कासमी जी और नाजिया अली खान जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने भारत की बेटी नाजिया खान जी के तो चुनावों को लेके और चुनाव कौन जीत रहा है उसे लेके तो राय जान ली। जैसे कि हम जानते हैं कि नाजिया अली खान जी बिल्कुल ग्राउंड जीरो यानी जमीनी हकीकत से वाकिफ हैं, वो खुद ग्राउंड पे जाके काम करती हैं और इस टाइम पे बीजेपी की स्टार प्रचारक है और काफी भागदौड़ भी कर रही है। और आपने देखा नाजिया खान जी ने ना सिर्फ बीजेपी और मोदी जी की बात की बल्कि कांग्रेस की भी बात की और अपोजिशन की बात की, कैसे अपोजिशन 400 सीटों से अब 40 पे आ गया। तो इसके बारे में जो भी आपके विचार हैं आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।